आप सिद्धार्थ नायक जोशी को देख सकते थे, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे को निधन पर पहुंचे थे। अरे यार ये जो 31 को बी डिवीजन पुलिस स्टेशन जूनागढ़ में जो गुनाह दाखिल किया था उसमें दो अक्यूज लोकल थे और एक अक्यूज जो मुंबई से अभी जूनागढ़ में लाया गया है उसकी अभी इंट्रोगेशन चालू है। इंट्रोगेशन के बाद आगे कल उसका जो भी इसमें आएगा वो नामदार कोर्ट में उसका प्रोडक्शन करेंगे। सर किस बारे में कौन कौन से जो मुद्दे हैं उसका तपास की जाएगी कल तक? तपास में जो मेन हमारे मुद्दे हैं वो इसमें कि एक तो नशा मुक्ति के नाम से जो परमिशन ली गई थी वो एक हमारे लिए मुद्दा है। नशा मुक्ति के में आज में जो ये प्रोग्राम हुआ और जो ये स्पीच दे गई तो उसमें क्या वो प्री प्लान था तो ये और इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हैं, आयोजकों ने ये प्री प्लान करके इसको बुलाया था तो ये सब हमारे तपास के मुद्दे होंगे। अभी जो अक्यूज यहाँ जूनागढ़ में लाया गया है तो पुलिस उसकी इंट्रोगेशन कर रही है, उसके आगे बाद ही पता चलेगा। कैसे लाया गया उसको और किस तरह से यहाँ पे इंट्रोगेशन? मैंने बताया जैसे मुंबई से ATS की टीम थी और लोकल जो आयो था वो साथ में था और यहाँ अभी जूनागढ़ में लाया गया। सर एक बात, जहाँ पर ये वक्तव्य हो रहा था उसके करीब ही बी डिवीजन था तो पुलिस को इस बात के बारे में कुछ पता था क्या? पुलिस को ये परमिशन ऑफिशियली इसने ली थी और ये नशा मुक्ति के नाम से ली थी तो पुलिस को पता था। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, सब उनके साथ है, एक मिनट हर हाल में उनके साथ है। और सुनिए, उन्होंने इशारे के नाम में जो भी कुछ कहा कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूँ। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई उन्होंने कहा। और जो तुम कहते रहते हो ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं उसमें जिसने दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया, ये जो और बकते रहते हैं इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ है। क्योंकि ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा जो है पहले तो उनको कानूनी मदद फराहम कराएगी। जमात अहले सुन्नत ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं वो उनके साथ हैं। जहां तक हेट स्पीच के ताल्लुक से बात आ रही है तो हमारी लीगल टीम तहकीक कर रही है कि वो हेट स्पीच के दायरे में उनका बयान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, तरह तरह के गैर मुनासिब बयानात देते हैं जिससे मुल्क में अमन व अमान जो है वो मुतासिर है। गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, ऐसे हजारों हेट स्पीच करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर उनके समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, लाठियां भी चार्ज हो रही हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से ही अपील करते हैं, मुसलमानों से ही अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर ना होने दें, अमन व अमान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे मुसलमानों की छवि खराब हो। कि सलमान अजहरी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया,
मैं भी भड़काऊ बयान दे रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप गिरफ्तारी मत दीजिए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गिरफ्तारी ना दूं, तो जो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं मुझे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं आप, उसको दबाव बनाने के लिए पूरी मिल्लत इस्लामिया पर दबाव बनाने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते, लेकिन गिरफ्तार करने में एटीएस से क्या ताल्लुक है इस बात का, क्यों इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि कल मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है और मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में वो तमाम चीजें दिखा देंगे कि कहां कहां से मेरे ताल्लुक है, कहां कहां से मेरी बात होती है, कहां कहां से मुझे फंडिंग होती है। तो ये चीजें जो है, ये मतलब जब सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है तो सारी जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के अंडर में आती हैं, तो सरकार जो चाहती है, सरकार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है वो बना रही है, तो हम किस पर भरोसा करें। मैं ये शेर डेडिकेट करता हूँ जनाबे मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम। मर देते है या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी बात सरकार किया जाए, बात सरकार किया जाए, ए तो हस्ती क्या है। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब क़िबला की गिरफ्तारी की मैं मजम्मत करता हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक जुमला जो कि सख्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इस जुमले के ज़रिए हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन बदमाशों को मुखातब किया है बार बार, कि जिन्होंने बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। कोई कहीं से उठता है हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है, कोई कहीं से उठता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और 2024 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है या निकाल देने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और कुरान शरीफ में तहरीफ की बात करता है, उसकी 26 आयतों को निकालने की बात करता है, कोई कहीं से उठता है और जुलूस की शक्ल में चलते हुए इशारतन मुसलमानों को मारने और काटने की बात करता है, कोई कहीं से उठकर अपने अपने घरों में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हथियार रखने की बात करता है। ऐसे लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जिन्होंने अपने बयान के ज़रिए हिंदुस्तान के अमन व अमान को ख़तरा पहुंचाना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ही मिशन है कि जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उनका एक ही मिशन है, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो अपनी तकरीर में बार बार उन्हीं लोगों को मुखातब करते हैं जो हमारे नबी की शान में